सुफियान सौरी साहब एक दफ़ा तशरीफ़ ले गए और उन्होंने देखा कि एक बेचारा आदमी बैठा हुआ है, वो उसके हाथ भी नहीं है, उसके पाँव भी नहीं है, इसी तरह खामोश बैठा हुआ है। वो दुकान से गए तो वहाँ जाके एक अनार लिया और अनार बनाकर उसको पूरा खिला दिया। तो उस तरफ से हज़रत इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, उन्होंने फरमाया कि जी ये चोरी का अनार इसको खिला रहे हो। कहा फरजंद रसूल, वाह आप फरजंद रसूल तो हैं लेकिन आपने कुरान ही नहीं पढ़ा। कुरान में पढ़ा हुआ है मन जा अबिल हसनत फलहु अशरु अमसालहा व मन जा अबिस सैयत, ये चार पांच जगह है, व मन जा अबिस सैयत फला युजजा इल्ला मिसला, नेकी करो तो दस गुना सवाब मिलता है और बुराई करो तो जितना है एक ही गुना होगा, ज़्यादा नहीं होगा। तो मैंने जब इसको अनार खिलाया है ये नेकी की है, दस गुना सवाब मुझे मिल गया, एक हिस्सा चला गया, नौ हिस्से फिर भी रह गया। फरमाया ये आयत तो आपने पढ़ी है, इससे पहले एक आयत आई थी इन्नमा यतकब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तकीन, अल्लाह तबारक व ताला अमल उसका कबूल करता है जो नेक हो, परहेजगार हो, शरीफ हो, अल्लाह के अहकाम पर अमल करता हो। तो चोरी करके तो अगर अमल तो कर रहा है तो अल्लाह तबारक व ताला इसको तो कबूल नहीं करता। ये होता है दर हकीकत कि कुरान मजीद युमिनु बिबास व यकफुर बिबास, बाज़ आयतों को ले लेना, बाज़ आयतों की तरफ तवज्जो ही न करना। अगर पूरे कुरान मजीद को देखता तो आमाल की कबूलियत के लिए तकवा और परहेजगारी की ज़रूरत है।